जगह गीता मंदिर बस टर्मिनल अहमदाबाद। हर रोज लगभग 10,000 मुसाफिरों और 1800 से ज्यादा बसों के परिवहन की जिम्मेदारी लेकर बैठा एक बस टर्मिनल। ये टर्मिनल भी था गंदगी, अव्यवस्था और असुविधा का पर्याय, जहां पर ट्रैवल करना कोई सजा से कम न था। इसीलिए गुजरात सरकार ने सोचा कि क्यों ना नागरिकों को करवाया जाए उन सुविधाओं का अनुभव जो ज्यादातर दुनिया के विकसित देशों में जाकर ही हो पाता है। नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र को सार्थक करते हुए सरकार ने इस बस स्टैंड का निर्माण PPP मॉडल मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किया और प्राइवेट कंपनी को सौंपा गया इस बस टर्मिनल के ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य। तो इस तरह से शुरू हुआ मिशन ST टर्मिनल 1 का ट्रांसफॉर्मेशन। 25 बोर्डिंग प्लेटफॉर्म्स, 6 अलाइटिंग प्लेटफॉर्म्स और 23 आइडल प्लेटफॉर्म से सरल हुई बसों की आवाजाही और खत्म हुआ बस की जानकारी के लिए यहां वहां धक्के खाना। इस बस टर्मिनल को प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिटाइज किया गया। अब इंक्वायरी, रिजर्वेशन और टिकटिंग के लिए यहां उपलब्ध है अलग अलग 12 काउंटर्स। डिजिटल डिस्प्ले पर मुसाफिरों को मिलती रहती है बसों से संबंधित हर एक जानकारी। कोई बाहर से आया यात्री तो इधर परेशान नहीं होते हो कि उन्हें बस कहाँ लगी अपनी वो ढूंढना है। इतना आसान कर दिया इधर कि हर जगह पे स्क्रीन लगा है, इसी ऊपर हिंदी मराठी में आता है, गुजराती में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, तो किसी को आसान हो जाता है ढूंढना। तो हमारी बस कहाँ लगी है, नासिक जाना है, दिल्ली जाना है, किधर भी जाना हो वो तो यहाँ लगा है। टूरिस्ट ऑफिस, क्लोक रूम, पब्लिक रिलेशन ऑफिस, एडमिन ऑफिस, पार्सल ऑफिस और पैसेंजर कॉन्कोर्स एरिया जैसी सुविधाओं से मुसाफिरों की मुश्किलों का भी हो रहा है आसानी से हल। CCTV कैमरास और यहां की सर्वेलेंस सिस्टम भी दे रही हैं मुसाफिरों को सलामती की गारंटी। आखो बटन CCTV कैमरा थी कवरेज करवामां आवेलू छे, एक पण खूणे खूणानी बधुं कवरेज करवामां आवे छे, जेथी कहीं सुरक्षा सारामां सारी छे। और तो और अब मुसाफिरों को मिला है वेटिंग की मुसीबत से भी छुटकारा, क्योंकि ये आधुनिक बस टर्मिनल उन्हें दे रहा है जनरल वेटिंग रूम, लेडीज वेटिंग रूम और डिलक्स वेटिंग रूम की सुविधाएं। ત્યારે પણ રાતે મોડા વેલા ગાડીમાંથી આયા હો સફર કરીને અને તમારે સવારના જવા માટેનો ટાઈમ બહુ અલગ હોય તો તમને આરામ કરવા માટે અહીંયા વેટિંગ રૂમ પણ મળી જાય। બસ સ્ટેન્ડની જગ્યા હું તો એમ માનું છું કે એરપોર્ટની અંદર બેઠેલો છું। कहीं लगेज ट्रॉली की व्यवस्था दे रही है सामान ढोने से मुक्ति, तो कहीं व्हीलचेयर से आसान हुई शारीरिक असक्षम और वृद्धों के सफर की शुरुआत। अब बाहरगांव से आए यात्रियों को देर रात ठहरने के लिए होटल ढूंढने नहीं घूमना पड़ता। इतनी ही नहीं, अलग अलग वर्गों के लिए यहां उपलब्ध है गेस्ट रूम की भी सुविधाएं, तथा बस स्टैंड को बनाया गया है प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन का अनुकरण करते हुए। अनहाइजीनिक वातावरण का पर्याय माना जाता ये बस स्टैंड आज मुसाफिरों को प्रदान कर रहा है हाइजीनिक कैंटीन, स्टॉल्स और वाटर रूम्स की सुविधा। अब यहाँ है लेडीज, जेंट्स और विकलांगों के लिए अलग अलग शौचालय जैसी सुविधाएं, जहाँ स्वच्छता और हाइजीन का रखा जाता है पूरा ध्यान। हर रोज अप डाउन करने वालों के लिए भी है 4000 चौरस फीट में फैला विशाल RCC पार्किंग। परिसर में स्थित मेंटेनेंस वर्कशॉप की वजह से बिगड़ी बसों की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस में भी हुई है समय की बचत। साथ ही में अनुभागीय कचेरी की वजह से मैनेजमेंट में भी आई है सरलता। ये वही ST स्टैंड है जिसके बाहर एक जमाने में हमारे प्रधानमंत्री जी चाय बेचा करते थे। जैसे प्रधानमंत्री जी देश का परिवर्तन कर रहे हैं, वैसे ही परिवर्तन हुआ है अहमदाबाद के इस ST स्टैंड का। ये सरलता, सुविधा और विकास का उदाहरण परिणाम है गुजरात सरकार की मेहनत का और मुख्यमंत्री श्री के विजन का, जिनके साथ गतिशील गुजरात का परिवहन भी आगे बढ़ रहा है तेज गति से। अहमदाबाद बस टर्मिनल मात्र एक पहल नहीं है, ये पहचान है राज्य की बदलती हुई परिवहन व्यवस्था की।
ये पहचान है मुसाफिरों की खुशहाली की, ये पहचान है गतिशील गुजरात की। अहमदाबाद बस टर्मिनल 1, परिवहन के नए रूप की पहचान। और हाँ, परिवर्तन की ये यात्रा और आगे भी चलने वाली है। अब बारी है गुजरात में मेहसाणा, सूरत जैसे कई और शहरों की, जहां बनेंगे वर्ल्ड क्लास बस स्टैंड्स। और अगर ये बदलाव गुजरात में हो सकता है तो देश में क्यों नहीं। हाँ,